सोनीपत से एक दर्शक है नवल। नवल जी पूछिए अपना सवाल। सर मैं एक सैलरीड एम्प्लॉई हूँ। जी जी बोले। सर उसमें मेरे 1060 से में डिडक्शन जो है नेचर ऑफ पेमेंट है वो 194 एक्स पे अभी हुआ है, तो मुझे कौन सी रिटर्न फाइल करनी होगी सर? बलवंत जी इनको कौन सी रिटर्न फाइल करनी चाहिए? वो सेक्शन नहीं सुन पाया। 194 नवल जी नहीं नहीं कौन सा, वो तो वो आपका 16 है उसमें 194 कौन सा लिखा है, एच लिखा है क्या लिखा है? लगता है नवल जी से संपर्क कट गया है। नवल जी का सवाल सही से समझ में आया नहीं, लेकिन अहमदाबाद से एक दर्शक हैं जो अपना सवाल पूछ रहा है। उन्होंने हम रीतन जो ईमेल से करते हैं तो उसमें हमारा मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस चेंज करना है तो हम कर सकते हैं? क्योंकि अगर 2 साल के बाद 6 महीने के बाद भी ईमेल एड्रेस चेंज हो सकता है तो उसके बारे में हम क्या करेंगे? बबन जी देखिए ऐसा है कि आज की तारीख में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है, आप जैसे ही अगर 2 साल तक आपने लॉगिन नहीं किया आज आपकी तारीख में आप जैसे ही लॉगिन करेंगे इनकम टैक्स की साइट पे तो इनकम टैक्स वो साइट आपको सबसे पहले आपके जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है वो वैलिडेट करने के लिए बोलेंगे और वो पासवर्ड भेजेंगे आपको। एक पासवर्ड है ना आपका मोबाइल पे आएगा, दूसरा पासवर्ड आपका ईमेल आईडी पे आएगा और वो जब तक आप दोनों पासवर्ड आप क्लीन नहीं करेंगे तब तक आपके ये मोबाइल नंबर और ये ईमेल आईडी वैलिडेट नहीं होगी। और एक बात और बताना चाहूंगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 10 मोबाइल नंबर की लिमिट रखी है। एक मोबाइल नंबर आप सिर्फ 10 इनकम टैक्स रिटर्न्स के लिए ही यूज कर सकते हैं, उसके ज्यादा उससे ज्यादा के लिए अभी पूरे मेजर्स मोबाइल डिपार्टमेंट ने सेफ्टी मेजर्स का भी पूरा ख्याल रखा हुआ है। बहुत शुक्रिया बलवंत जी आपका हमारे शो में आने के लिए और उम्मीद करते हैं कि तमाम उन दर्शकों को अपने सवालों का जवाब मिला होगा, उनकी जो तमाम दिक्कतें हैं दूर हुई होंगी और 31 जुलाई लास्ट डेट है। हालांकि सबके लिए नहीं, जैसा कि बलवंत जी कह रहे हैं आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न जरूर भरेंगे। जी बिजनेस आपसे जुड़े ऐसे मुद्दे लगातार लाता रहेगा और आपकी दिक्कतों को दूर करता रहेगा। फिलहाल दीजिए इस खास शो में हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।